अस्सलाम वालेकुम, मैं मलिक सामर, आप देख रहे हैं पाक एग्रीन। आज जो टेस्ट हुआ प्लांट प्रोडक्शन की तरफ से एंटोमोलॉजिस्ट का, काफ़ी टफ टेस्ट था। और यानी कि बच्चों को तो पढ़ा ही नहीं जा रहा था वो टेस्ट, इतना मुश्किल टेस्ट था। तो उसमें जो एमसीक्यूज थी वो सारे उन्होंने मुख्तलिफ वेबसाइट से डाटा कलेक्ट किया हुआ था, और वो हमने वो डाटा फाइंड किया है। मैं कामरान भाई का बहुत शुक्रिया अदा करूँगी, उन्होंने मेरी हेल्प की है इसे फाइंड करने में। ये सारा डाटा मैं आपको दिखाऊंगा, ये सारा उन्होंने वेबसाइट से ही कलेक्ट किया हुआ है। तो सबसे पहले एमसीक्यू यही थी, और ये मेरे ख्याल से यही पैटर्न था, या चेंज हो सकता है आंसर्स का, लेकिन जो ऑप्शंस का, लेकिन यही एमसीक्यू से। तो इसका सबसे पहला जो आंसर है, आंसर 4 ये है। इसका मतलब कौन सा नीमाटोड्स, कौन सा केमिकल है जो हम डिफ्रेंशिएट करता है कि वो डेड हो गया है या वो जिंदा है नीमाटोड। तो न्यू ब्लू जो है इसका ये आंसर है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग एफिशिएंट पोलिनेटर कौन सा है, बिम्बल बी था इसका। और तीसरा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अट्रैक्टेड टू ग्रीन लाइट, ग्रीन लाइट के ऊपर कौन सा आता है, ये कुरकुराया, ये मतलब ऑप्शन 4 जो है ना ये आता है। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट नेमाटोड स्पीशीज पेरिनियल पैटर्न इन नेचर एंड डिस्टिंक्टली मार्क बाय द प्रेजेंस ऑफ लेटरल रिजेस, कौन सा है इसका आंसर। इसका आंसर ये था, इनको गनीटा ये वाला था। विच पेस्ट इज माइग्रेटेड फ्रॉम इंडिया, इंडिया से कौन सा पेस्ट आया हुआ है, जो वो है ये ओराइजी वाला है, फोर्थ ऑप्शन जो हमें यहाँ पे नजर आ रही है वाला। और सिक्स ये था विच रिड्यूसिड बग इज पेरिडेशियस ऑन मैंगो लीफ ऊपर, मैंगो लीफ ऊपर के ऊपर कौन सी पेरिडेशियस है, तो ये दूसरे वाला इसका दूसरा ऑप्शन है। और उसका ये उसके बाद था विच वेस्प फैमिली इज पैरासाइटिक ऑन मेंटिड एग्स, मेंटिड एग्स के ऊपर कौन सी पैरासाइटिक है, और उसका आंसर है ये दो वाला, पोडोग्रेनियोनिडी इसका ये है। अच्छा, विच वेस्प इज पैरासाइटिक ऑन ओथिका, कॉकरोच, कॉकरोच के ऊपर की जो ओथिका होता है उसके ऊपर कौन सा पैरासाइटिक है, तो ये ऑप्शन 2 मतलब इंसाइन वेस्प। उसके बाद हु इज द फादर ऑफ बायोलॉजिकल कंट्रोल एजेंट, कौन फादर है, पॉल डी बैथ जो है वो फादर है बायोलॉजिकल कंट्रोल का, हम कहते हैं उसे। अच्छा, हु प्रपोज द कंसेप्ट एंड टर्मिनोलॉजी द बायोनॉमिक्स, बायोनॉमिक्स किसने पेश किया, वी एम स्टर ने ये आइडिया दिया। उसके बाद विंग इज अ लेटरल एक्सटेंशन ऑफ, किसकी है लेटरल, ये इंटेगमेंट की है, कुछ बच्चों ने एपिडर्मस लगाया हुआ था लेकिन मैं भी ऐसे ही लगाया, लेकिन इसका था इंटेगमेंट। अच्छा, वाटर ट्रैप किसके लिए यूज होता है, वाटर ट्रैप इज यूज अगेंस्ट ग्राउंड नट लीफ माइनर, ग्राउंड नट लीफ माइनर के अगेंस्ट ये यूज होता है। उसके बाद एक्सलूट ट्रैप इज यूज फॉर, किसके अगेंस्ट ये होता है, ये ग्राउंड नट लीफ माइंड के अगेंस्ट होता है, इसे यूज करते हैं अगेंस्ट ही। उसके बाद यहाँ इन्होंने डाटा यहाँ से लिया हुआ था, दूसरी वेबसाइट है, या आपको पाक एमसीक्यू ऊपर लिखा हुआ नजर आ रहा होगा, यहाँ से उन्होंने डाटा इकट्ठा किया है सारा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, ये इसके सारे ही मतलब ये ठीक थे, ये ऑप्शन ऐसे ही था ऐसा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ये एचडीएल कंटेन हाईएस्ट कोलेस्ट्रॉल लेवल, ये भी आई हुई थी एमसीक्यू इसी तरह ही थे। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, ये वाली एमसीक्यू नहीं थी। उसके बाद विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट नॉट, ये वाले एमसीक्यू नीचे वाली, द एंटीनो एंटीडोट फॉर हर पेन हेप्रिन, हेप्रिन इज ये प्रोटामाइन सल्फेट ये वाला था। उसके बाद एन एक्सेस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन मे बी एसोसिएटेड विद इंक्रीज इन सेंसिटिविटी ऑफ एफी एफनीफ्राइन, इसका था थायराइड था। उसके बाद ये था नीचे वाले पाइलोकैप्रिन, ये क्या है, लोअर द इंट्रा ओकुलर प्रेशर इन ग्लूकोमा, द ड्रग विज यूज फॉर ट्रीटमेंट ऑफ, ये भी एम सी क्यूज था इसका, ये डी ऑप्शन है, द ड्रग ऑफ चॉइस मैनेजमेंट ऑफ लाइफ थ्रेटनिंग रिएक्शन, ये भी था एल्ड्रिन, ये भी इसका आंसर ये था। फॉलोइंग ड्रग अवॉइडेड विद वारफरिन, ये भी था इसका सी ऑप्शन है, एनएसिड लाइक, ये ऐसा ही था, मतलब इस तरह के क्वेश्चंस थे, यही थे बिल्कुल। और बीटा टू एगोनिस्ट का इसका डी ऑप्शन है, द मेटाबॉलिक इफेक्ट ऑफ सिंपैथोमेटिक्स आर मेडिएटेड बाय ऑल बीटा एडरेनर्जिक रिसेप्टर, विच ऑफ द ग्रुप ऑफ ड्रग्स आर न्यूरो मस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट, तो इसका ये सी ऑप्शन है। ऑल ऑल ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स आर नॉन डिपोलराइजिंग न्यूरो मस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट्स एक्सेप्ट, इसका डी ऑप्शन है। अब इतने मुश्किल ये एमसीक्यू थे, आम बंदे से तो पढ़े ही नहीं जा रहे थे। द इंट्रा मस्कुलर
एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ 0.6 एमजी ऑफ एट्रोपाइन सल्फेट, इसका जो है ये भी सच ही था, इसका ये ऑप्शन है। इसके नीचे वाली मेरे ख्याल में एमसीक्यू नहीं थी, ये वाली थी, म्यूरल थ्रोम्बी आर थ्रोम्बी इन हर चैम्बर। अच्छा, हेटरोजाइगस सिकल सेल एनीमिया गिव्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट मलेरिया है, कुछ ने, मैंने तो थैलेसीमिया लगाया था, कुछ और ने भी लगाया हुआ था, लेकिन इसका मलेरिया आता है। और ये बार यहाँ से इन्होंने यही डाटा लिया हुआ था पाक एमसीक्यूज वेबसाइट, फिर उन्होंने दूसरी वेबसाइट से डाटा इकट्ठा किया। विच ऑफ द फॉलोइंग यूज एज अ बायोलॉजिकल कंट्रोल एजेंट ऑफ कैटरपिलर और बटरफ्लाई, इसका सी ऑप्शन है, बैसिलस थुरिंजियेंसिस, ये बीटीएम जिसे कहते हैं, इसका ये ऑप्शन आना था। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूज ऑफ माइक्रोब एज अ बायोलॉजिकल कंट्रोल एजेंट फॉर पेस्ट, अच्छा इसका सी ऑप्शन है, ट्राइकोडर्मा एज स्पीशीज अगेंस्ट प्लांट पैथोजेंस। अच्छा, बायोलॉजिकल कंट्रोल एजेंट एजेंट अगेंस्ट प्लांट डिजीज कौन सा है, ट्राइकोडर्मा। विच ऑफ फॉलोइंग नॉट अ बायोपेस्टिसाइड, बायोपेस्टिसाइड ज़ैंथोमोनास, ठीक है, ट्राइकोडर्मा हर्ज़ियानम, हर्ज़ियानम इज यूज फॉर बायोलॉजिकल एजेंट अगेंस्ट प्लांट पैथोजन। ऐसा इसी तरह ही सवाल थे सारे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बायोलॉजिकल एजेंट फॉर निमाटोडल डिजीज कौन सा है, इसका सी ऑप्शन है, थर्ड जनरेशन पेस्टिसाइड कौन सा है। अब इसका यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ है फेरोमोन्स है, यहाँ पे पेस्टिसाइड, पेस्टिसाइड मतलब जो है कि वो मतलब पेस्ट को किल करता है, तो फेरोमोन्स लाजमी तो नहीं है कि वो किल करते हैं। फेरोमोन्स तो ये होते हैं कि वो मतलब विद इन द स्पीशी अगर वो कम्युनिकेशन कर रहा है तो, लेकिन अब यहाँ पे इन्होंने ऑप्शन ये लगाया हुआ तो यही होगा ये वाला। हाँ, कोसीहेनल इंसेक्ट्स आर यूज्ड, ये है डी ऑप्शन इसका। द प्रोसेस ऑफ यूजिंग नेचुरल प्रेडेटर टू कंट्रोल अ पैथोजन इज कॉल्ड बायोलॉजिकल कंट्रोल। रोटिनोन इज यूज्ड अगेंस्ट क्या है, रोटिनोन इज यूज्ड एज अ नेचुरल इंसेक्टिसाइड, यहाँ से इन्होंने ये डाटा इकट्ठा किया हुआ था। उसके बाद है एक ई एम सी क्यू सी, कॉइन द टर्म पेस्ट मैनेजमेंट किसने दी थी, गायर ने दी थी, और जो है एक दो तीन जनरल नॉलेज के थे जिसमें जिसका एक आंसर था कि जनरल आसिफ मुनीर जो है वो मतलब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं, और एक थी कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, या इस तरह का था जिसका आंसर था तारिक बशीर चीमा जो है वो मतलब मिनिस्टर हैं फूड एंड सिक्योरिटी के, इस तरह का एक क्वेश्चन था। तो बाकी जो है एमसीक्यूज हैं इसी तरह ही, एक दो रह गए हैं वो कवर नहीं हो सके, हमें मिले नहीं है, तो वो आप खुद देख लीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।